आता है हमारे सामने वेक्टर, दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर किसे कहते हैं? देखिए, ये सपोज टू बी एक रिवर है, ये एक सपोज टू बी एक रिवर है, और मैं आपसे पूछता हूं इस रिवर में वाटर ब्लो कर रहा है, वाटर इस तरह से फ्लो कर रहा है, पानी इस डायरेक्शन में बह रहा है। जो पानी इस डायरेक्शन में बह रहा है, सपोज टू बी उस पानी की जो वेलोसिटी है, जो पानी इस डायरेक्शन में बह रहा है उस पानी की वेलोसिटी हमने मान ली वी डब्ल्यू, दिस इज वेलोसिटी ऑफ वाटर। और यहां पर इस डायरेक्शन में हमने क्या करा, एक बोट को इसमें रख दिया, यहां पर एक बोट रखी है, हेयर सपोज टू बी द बोट प्लेस्ड, यहां पर एक बोट है। और मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है आपसे कि अगर यहां पर एक बोट रखी है, ये वाली एक बोट है, और पानी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो आप क्या बता सकते हो कि ये जो बोट है ये बोट किस डायरेक्शन में जाएगी? ये एक नदी है, इस नदी में पानी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और ये बोट इसमें रखी हुई है, तो आप बता सकते हो कि ये बोट किस डायरेक्शन में जाएगी? तो आंसर है ये बोट भी उस डायरेक्शन में जाएगी जिस डायरेक्शन में पानी फ्लो कर रहा है। एक बात, कितनी वेलोसिटी होगी इस बोट की? आंसर है एग्जैक्टली उतनी वेलोसिटी होगी जितनी वेलोसिटी इस वाटर की है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये बोट पानी के डायरेक्शन में मूव करेगी और उतनी वेलोसिटी से मूव करेगी जितनी वेलोसिटी से पानी ब्लो कर रहा है या फ्लो कर रहा है। अगर अब हुआ क्या, यहां पर ना इस गाड़ी का इंजन चालू हो गया, ये जो बोट थी इस बोट का इंजन यहां से स्टार्ट कर दिया। जैसे इस बोट का यहां पर इंजन स्टार्ट करा, तो हमने देखा कि जो बोट का इंजन, जो बोट है उसका इंजन इस बोट को कहां ले जाना चाहता है? इस डायरेक्शन में ले जाना चाहता है, ए इस डायरेक्शन में। तो ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ इंजन। तो अब ये वाली बोट पर दो फोर्स काम कर रही है, पानी इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, इंजन इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। तो ये वाली जो बोट थी, अब ये बोट पानी के डायरेक्शन में जाएगी या इस इंजन के डायरेक्शन में ऊपर जाएगी? तो इसका आंसर है ना तो ये बोट इस डायरेक्शन में जाएगी, ना तो ये बोट इस डायरेक्शन में जाएगी, ना ये बोट इस डायरेक्शन में जाएगी। ये बोट वहां जाएगी जहां पे इन दोनों का रिजल्ट होगा, इस डायरेक्शन में भी नहीं जाएगी, इस डायरेक्शन में भी नहीं जाएगी, वहां जाएगी जहां पे इन दोनों का एक रिजल्ट होगा। देखिए कैसे, अगर इस डायरेक्शन में ये बोट इंजन इस बोट को इस डायरेक्शन में लेके जाता है, तो पानी इसको बोट को किस डायरेक्शन में फोर्स लगाता है? इस डायरेक्शन में। फिर इंजन इसे किस डायरेक्शन में लेके जाता है? इधर। तो पानी किधर लेके जाता है? इस डायरेक्शन में। फिर इंजन कहां लेके जाता है? इस डायरेक्शन में। पानी कहां लेके जाता है? इस डायरेक्शन में। इंजन कहां लेके जाता है? इस डायरेक्शन में। पानी कहां लेके जाता है? इस डायरेक्शन में। इंजन कहां लेके जाता है? इस डायरेक्शन में। पानी कहां लेके जाता है? इस डायरेक्शन में। तो अल्टीमेटली जो बोट यहां पे थी ए पॉइंट पर, वो बोट मुझे कहां मिलती है? बी पॉइंट पर। तो इसका मतलब ये हुआ, ये बोट ना तो सीधी गई, ये बोट ना तो इधर गई, ये बोट वहां गई जहां पर इन दोनों का एक रिजल्ट काम करता है। तो ये वाली फोर्स इधर लगाती है इंजन, पानी इधर फोर्स लगाता है, इंजन इधर फोर्स लगाता है। तो ये अल्टीमेटली चल के कहां जाता है? वहां चलता है जहां पे इन दोनों फोर्स का एक रिजल्ट होता है, इन दोनों वेलोसिटी का एक रिजल्ट होता है। तो ये बॉडी यहां पर पहुंची। तो इसमें हुआ क्या, तो हमने इसमें देखा कि ये बॉडी अगर यहां पहुंची है, तो इसका मतलब इस बॉडी ने इस डायरेक्शन में भी कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है कुछ ना कुछ। तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कैसे ट्रेवल किया? तो हमने देखा कि यहां पर ये जो पानी है इस डायरेक्शन में क्या करता है, इस पानी की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, इधर है, इधर है, इधर। तो इसका मतलब ये पानी इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है जिसकी वजह से इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में भी होता है। तो ये बॉडी इस डायरेक्शन में चलती है और कहां पहुंचती है? बी। तो ये बॉडी जब बी पे पहुंचती है, तो इस बी पर पहुंचाने के लिए इस वाली बॉडी ने, इस वाले पानी ने इस बोट पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाया जिसकी वजह से इसका डिस्प्लेसमेंट इतनी इससे यहां से इस डायरेक्शन में हो गया। तो इसका मतलब जब ये बोट यहां पहुंचती है, तो इस बोट ने इस डायरेक्शन में भी एक डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करा, और उस डिस्प्लेसमेंट के लिए जिम्मेदार कौन है? वेलोसिटी ऑफ वाटर। ये वेलोसिटी ऑफ वाटर, वेलोसिटी ऑफ वाटर, वेलोसिटी ऑफ वाटर, ये वेलोसिटी इधर इधर फोर्स लगाती है जिसकी वजह से इसका डिस्प्लेसमेंट इधर होता है। लेकिन ये साथ ही साथ ये वाली जो बोट है, ये बोट ऊपर भी जाती है। क्यों? क्योंकि इंजन इस पर फोर्स कहां लगाता है? इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो पहले बोट को इंजन यहां ले गया, फिर यहां ले गया, फिर यहां ले गया, फिर यहां ले गया, फिर। तो अल्टीमेटली ये बोट एक ही पॉइंट पर ऊपर भी जा रही है और सामने साइड में भी जा रही है। तो बॉडी, ये बोट इधर भी चलती है, इधर भी चलती है, अल्टीमेटली बोट वहां पहुंचती है जहां पर इन दोनों का रिजल्ट है। अब मुझसे ये पूछा गया कि ये बोट यहां से चल के यहां पहुंचती है, ये जिस रास्ते से चल के गई उस रास्ते का ग्राफ बनाओ। तो हमें समझ में आता है कि ये बॉडी यहां से यहां, पहले बॉडी अगर ए टू बी जा रही है, तो ये बॉडी इस डायरेक्शन में भी चलती है, ये बॉडी इस डायरेक्शन में भी चलती है, और हमसे बोला गया है कि इसका ग्राफ बनाओ। तो मैं आपसे कहता हूं कि इस
ये बोट जिस रास्ते से चल के गए उस रास्ते के ग्राफ को हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किस तरह से? दो तरह से। पहला सुनिए, पहला मैं बताता हूं कि ये बोट यहां से चलना शुरू करती है ए से, ए से चल के जाती है और किस डायरेक्शन में जाती है? आंसर है इस डायरेक्शन में चलती है। कितना चलती है? सपोज टू मैंने बोला 3 मीटर और ये डायरेक्शन को मैंने क्या बोला? ईस्ट डायरेक्शन। तो इसका मतलब ये बॉडी इस डायरेक्शन में चलती है, ये बोट इस डायरेक्शन में चलती है 3 मीटर इस डायरेक्शन में। तो ये क्या एक वेक्टर मान लिया हमने, ये सपोज टू हमारे पास वेक्टर है, कितना? एक्स वेक्टर है। कितना? एक्स, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिनके पास मैग्नीट्यूड और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। तो ये एक वेक्टर एक्स है, तो इसका मतलब ये बॉडी इस डायरेक्शन में चलती है 3 मीटर। फिर मैंने बोला ये बॉडी यहां से इस डायरेक्शन में चलती है कितना? 4 मीटर। और ये डायरेक्शन कौन सी हमारी? दिस इज सपोज टू बी नॉर्थ डायरेक्शन। तो इसका मतलब ये बॉडी यहां से कितना चली? 4 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में। तो ये एक वेक्टर कितना बन गया? दिस इज वाई। तो एक बात बताओ तो मैं कहां पहुंच गया अल्टीमेटली? बी पे। तो ए से बी की पोजीशन को बताने के लिए, ए से बी की पोजीशन को बताने के लिए यहां पर मुझे कितने वेक्टर यूज करने पड़े? दो। एक वेक्टर एक्स यूज करना पड़ा और एक वेक्टर वाई यूज करना पड़ा। तो अल्टीमेटली मैं कहां पे पहुंच गया? ए टू बी। तो ए टू बी पहुंच गया। अब फिर से मुझसे किसी ने पूछा है कि इसका ग्राफ ड्रॉ करके दिखाओ जिससे जिस रास्ते से चल के गई। तो मैंने बोला बॉडी पहले ए पे थी, पहले बॉडी ए पे थी, अब ये बॉडी चल के कहां पे पहुंच गई? बी पे पहुंच गई। तो इसने जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करा कितना करा? आर, इस डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। तो यहां पर मैंने पोजिशन बताने के लिए कितने वैक्टर यूज करे? एक वैक्टर। यहां पर उसी पोजिशन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने कितने वैक्टर यूज करे? दो वैक्टर। तो जो रिजल्ट मुझे ये दोनों वेक्टर देते हैं वही रिजल्ट मुझे ये अकेला वेक्टर भी देता है। तो ये अकेला वेक्टर मुझे वो काम करके देता है जो दोनों जो काम मुझे ये दोनों वेक्टर मिलके इकट्ठे करके देते हैं। इसलिए इस वाले वेक्टर को हम बोलते हैं फिजिक्स में क्या? रिजल्टेंट वेक्टर। क्या बोलते हैं बेटे? रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर बेसिकली होता क्या है? तो आंसर है रिजल्टेंट वेक्टर एक ऐसा सिंगल वेक्टर होता है जो हमें अकेला ऐसा काम करके देता है जो ग्रुप में कई सारे वेक्टर मिलके इकट्ठे करके देते हैं। जैसे एक आदमी है, एक आदमी एक मकान को 10 दिन में तैयार करता है, उसी मकान को 5 आदमी मिलके वो भी 10 दिन में तैयार करते हैं। तो हम ये बोलते हैं कि ये अकेला आदमी उन 5ों आदमी का क्या है? रिजल्टेंट है। तो रिजल्टेंट वैक्टर का मतलब ये होता है कि एक ऐसा सिंगल वैक्टर जो हमें ऐसा काम करके देता है जो कई सारे वेक्टर मिलके इकट्ठे करके देते हैं, उनका भी इफेक्ट बिल्कुल सेम होता है। जो काम इन्होंने करके दिया वही काम इसने करके दिया, दिस इज नोन एज का रिजल्टेंट वेक्टर। तो हम बोलेंगे ये अकेला क्या है? इन सब का रिजल्टेंट वेक्टर है। तो रिजल्टेंट वेक्टर होता क्या है? तो रिजल्टेंट वेक्टर होता है, इट इज दैट वेक्टर विच गिव्स द सेम इफेक्ट एज द ग्रुप ऑफ वैक्टर कंबाइंड गिव्स। ये होता है रिजल्टेंट वैक्टर। फिर से देखो, एक आदमी इस डायरेक्शन में चलता है सपोज टू भी कितना? 5 मीटर। यह आदमी इस डायरेक्शन में चलता है कितना? 7 मीटर। यह आदमी इस डायरेक्शन में चलता है कितना? 9 मीटर। तो मुझसे पूछा कि इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाओ, तो हम इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाते हैं। तो यहां से इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना होगा? तो ये क्या है उसकी इनिशियल पोजीशन, ये क्या है उसकी फाइनल पोजीशन, ये क्या है उसकी इनिशियल पोजीशन, ये क्या है उसकी फाइनल पोजीशन। और मुझसे पूछा जाता है इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाओ। तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए हम क्या करते हैं? ये इनिशियल पॉइंट है और ये इसका फाइनल पॉइंट है, इन दोनों को ऐसा मिला देते हैं। तो ये क्या बन गया इनका? दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को बनाने के लिए मुझे इसमें कितने वेक्टर यूज करने पड़े? आंसर है एक वेक्टर, दो वेक्टर और 3 वेक्टर। इस डायरेक्शन में चलता तो ये एक वेक्टर है, इस डायरेक्शन में चलता है दूसरा वेक्टर है, इस डायरेक्शन में चलता है तीसरा वेक्टर। इन तीनों वेक्टर ने मुझे क्या दिया? एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे इसमें कितने वेक्टर यूज करने पड़े? 3। फिर से सुनिए, मुझसे फिर से किसी ने पूछा कि इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाओ। तो मैंने बताया कि पहले वो बॉडी कहां पे थी? यहां पर। अब ये बॉडी चल के, ये बॉडी और इनिशियल पॉइंट क्या है? ये रहा। मैंने पूछा फाइनल पॉइंट क्या है? तो हमने बताया ये रहा। तो मैंने एक ये इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ड्रॉ कर दिया, दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो
मैंने मुझसे पूछा कि दोबारा इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताओ, तो मैंने बोला ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, ये इसकी फाइनल है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये होगा। अब इस वाले वेक्टर, इस वेक्टर की डायरेक्शन और इस वाले वेक्टर की डायरेक्शन वही तो है जो दोनों की है। इस वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी तो उतना ही है जो इस वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, लेकिन इस वाले इस यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए मुझे इनिशियल टू फाइनल डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए इसमें मुझे कितने वेक्टर यूज करने पड़े, एक, लेकिन यहाँ पर कितने वेक्टर यूज करने पड़े, तीन, लेकिन ये वाला वेक्टर मुझे वही एग्जैक्टली काम करके दे रहा है जो ये तीनों के तीनों इकट्ठे मिलके करके दे रहे हैं। तो ये वाला अकेला वेक्टर मेरा क्या कहलाएगा, इन तीनों का रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि अगर ये बॉडी यहाँ से 3 मीटर चलती है और ये बॉडी यहाँ पे 4 मीटर चलती है और मुझसे कोई बोलता है इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाओ, तो मैं इसका यहाँ से डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट बनाने के लिए मुझे कितने वेक्टर यूज करने पड़े, यहाँ पर दो। इन्हें मुझे एक पोजीशन दी कि मैं ए से बी पे पहुंच गया, और यहाँ से अगर मैं यहाँ चलता हूँ तो मैंने बोला कि मैं यहाँ से यहाँ कितना चलता हूँ, 5 मीटर इस डायरेक्शन में, 5 मीटर चलता हूँ इस डायरेक्शन में। तो ये वाला वेक्टर भी मुझे वही सेम इफेक्ट दे रहा है जो दोनों ये मिलके इकट्ठे करके दे रहे हैं। यहाँ पर भी इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, 5, और यहाँ भी कितना होता है, 5। तो ये मतलब होता है कि इसका रिजल्टेंट वेक्टर का। तो अभी हमने देखा कि ये भी एक रिजल्टेंट वेक्टर है, ये भी एक रिजल्टेंट वेक्टर है, तो दोनों ही रिजल्टेंट वेक्टर है। तो बेसिकली रिजल्टेंट वेक्टर में हम करते क्या है, तो आंसर रिजल्टेंट वेक्टर में बेसिकली हम ये करते हैं कि एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर में जोड़ देते हैं, दूसरे को तीसरे में जोड़ देते हैं, और इस वाले वेक्टर की नकल लगा देते हैं। तो रिजल्टेंट में हम बेसिकली करते क्या है, तो आंसर रिजल्टेंट में हम बेसिकली एडिशन करते हैं। क्या करते हैं, एडिशन। अगर सपोज टू बी ये वाला वेक्टर हमारा ए वेक्टर था, ये कितना हमारा बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है, और मुझे इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है, और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही हमारा क्या कहलाता है, रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है, रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है। तो क्योंकि जो काम ये अकेला करके दे रहा है, ये अकेला करके दे रहा है, वो कई सारे वेक्टर मिलके इकट्ठे करके दे रहे हैं, तो हमने इन तीनों के अंदर इस वाले वेक्टर की यहां से उठा के, इस वाले वेक्टर की यहां से उठा के नकल लगा दी इसमें। तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बेसिकली होगा कितना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो एग्जैक्टली अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका ये रिजल्टेंट वेक्टर कितना होगा, तो रिजल्टेंट वेक्टर में हम करते हैं क्या, एडिशन करते हैं। तो यहां से इसका डिस्प्लेसमेंट ये कितना चला, एक्स वन, कितना चला x, ये कितना चला y, तो हम क्या बोलेंगे, इसका ये रिजल्टेंट वेक्टर है, और ये रिजल्टेंट वेक्टर बेसिकली है कितना, तो आंसर है x वेक्टर प्लस y वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर में बेसिकली करते क्या है, तो आंसर रिजल्टेंट वेक्टर में बेसिकली हम एडिशन करते हैं। क्या करते हैं, एडिशन। तो रिजल्टेंट किसके लिए बना है, तो आंसर रिजल्टेंट सिर्फ एडिशन के लिए बना है। अगर नेगेटिव वेक्टर है तो हम उसे सबट्रैक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव वेक्टर को जब जोड़ोगे, अगर मुझे a को बी में जोड़ना है लेकिन नेगेटिव वेक्टर के साथ जोड़ना है, तो हम क्या लिखेंगे, ए वेक्टर प्लस का माइनस का बी वेक्टर। तो कितना बन जाएगा ये, ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर, लेकिन कर क्या रहे हैं इसमें भी, एडिशन। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि रिजल्टेंट में हमेशा करा क्या जाता है, तो आंसर है एडिशन, या आप सबट्रैक्शन बोल सकते हो क्योंकि नेगेटिव वेक्टर है। तो रिजल्ट